बीजेपी ने पहले इससे पहले जो भी वादे किए हैं वो तो सारे खोखले साबित हो गए। आप देखिए बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, जितने भी यंग यूथ वगैरह है सब खज्जल है इस टाइम। हाँ, अभी गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस आई है कोविड को लेकर के, सोशल डिस्टेंसिंग रखे, चाहे मस्जिद शरीफ में जाए, मंदिर में जाए, वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंस रखे, प्रॉपर तरीके से मास्क यूज़ करें, सैनिटाइज यूज़ करें, जिसमें आपकी फैमिली और आप भी सेफ रहे। तो अगर उनने मतलब वादा किया था नौकरियां देने का, तो आज यूथ खजल नहीं होता, उनके दफ्तरों के बाहर धरना नहीं लगाते, हर एक जगह पे कोई ना कोई परेशान है इस बीजेपी की हुकूमत से। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, सबसे पहले जैसे आपको पता है कि नवरात्र स्टार्ट हुए हैं, साथ ही साथ में रोजे भी स्टार्ट हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस जो इस वक्त कोविड भी चल रहा है, तो क्या मैसेज क्या आपकी तरफ से? सबसे पहले मैं इमरान शेख, सोशल एक्टिविस्ट, वार्ड नंबर 6, तहे दिल से अपने मुसलमान भाइयों को रमजान की मुबारकबादी देता हूँ और अपने हिंदू भाइयों को नवरात्रों की मुबारकबादी देता हूँ, ठीक है जी। और साथ साथ मैं अपने भाइयों को ये अपील करता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस आई है कोविड को लेकर के, सोशल डिस्टेंसिंग रखे, चाहे मस्जिद शरीफ में जाए, मंदिर में जाए, वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंस रखे, प्रॉपर तरीके से मास्क यूज़ करे, सैनिटाइज यूज़ करे, जिसमें आपकी फैमिली और आप भी सेफ रहेंगे। जी सर, जैसे कि आप एनसी के युवा लीडर भी हैं, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ बड़े बड़े दावे किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे बीजेपी पार्टी ने जब आर्टिकल 370 को रिप्लेस किया था, बट वो वादे कहीं ना कहीं पूरे नहीं हुए और युवा जो आज भी दर दर की ठोकरें खा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, मैं एक एनसी का लीडर भी हूँ और रिसेंटली मैंने ज्वाइन की है। बीजेपी ने पहले इससे पहले जो भी वादे किए हैं वो तो सारे खोखले साबित हो गए। आप देखिए बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, जितने भी यंग यूथ वगैरह है सब खज्जल है इस टाइम। हाँ, इंशाल्लाह ताला जब एनसी की हुकूमत आएगी, सबसे पहले हमारा फोकस यही होगा कि हम जितने भी यूथ है उनको कहीं ना कहीं रोजगार दिला देंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी है, मतलब चाहे किसी घर में है कुछ भी है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह ताला हम बिल्कुल सॉल्व करेंगे। सर, आपने सबसे पहले मुद्दा यही होगा, आपको ही पता होगा कि आर्टिकल 370 को रिप्लेस करने के बाद 1,00,000 नौकरियां देने का वादा किया था, 50,000 नौकरियां देने का वादा किया, आज तक हमारे जम्मू कश्मीर के युवा को नौकरियां नहीं मिली है, तो आप क्या कहेंगे बीजेपी पार्टी को, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, बीजेपी पार्टी ने जो भी वादे किए थे सारे खोखले ही साबित हो गए। अगर आज यूथ, अगर उनने मतलब वादा किया था नौकरियां देने का, तो आज यूथ खजल नहीं होता, उनके दफ्तरों के बाहर धरना नहीं लगाते, हर एक जगह पे कोई ना कोई परेशान है इस बीजेपी की हुकूमत से। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम नीतीश गोस्वामी है, मैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू। मैं सभी मुस्लिम भाइयों से हाथ जोड़कर उनको माह रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ और सभी देशवासियों को और जम्मू कश्मीर वासियों को पवित्र नवरात्रों की मुबारकबाद देता हूँ। सर, आप जानते होंगे जम्मू कश्मीर के जो ऐसे हालात है, करंट सिचुएशन जो है, और ख़ासकर हमारे युवा की जो सिचुएशन है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, देखिए, जो जम्मू कश्मीर के हालात है वो बहुत बदतर हैं। 370 के बाद जो लोगों को सपने बीजेपी द्वारा दिखाए गए थे वो आज देख रहे हो, युवा जो हैं सड़कों पर बैठे हैं, BSF, CSF जो बीजेपी ऑफिस के बाहर बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो जम्मू कश्मीर के चीफ है रविंदर रैना जी बोलते हैं चिंता नहीं करनी, मैं बैठे रहा। जनाब, आप उठिए, लोगों को चिंता में मत डालिए, क्योंकि लोग इस समय बहुत परेशान हैं। जो हालात जम्मू कश्मीर के आपने बना दिए हैं आज से कभी हमने देखा नहीं है। सर, जैसे आप बीजेपी फेल हो चुकी है, 50,000 नौकरियां बीजेपी ने जो अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि हम 50,000 नौकरी जम्मू कश्मीर के युवाओं को देंगे, आप बताइए कि 50 नौकरियां भी किसी को मिली? जम्मू के जो फायर सर्विसेज के लोग थे उनके एग्जाम्स जो इन्होंने करवाए उनको बाहर निकाला, BSF CSF वाले लोग परेशान हैं, हालत इतने बदतर है जनाब, बताएं क्या आपको। इस समय जो हालत है जम्मू कश्मीर की बीजेपी गवर्नमेंट से मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि जिन्होंने आपको वोट दिया है कम से कम उनका तो आप काम कीजिए, क्यों लोगों को झूठे सपने दिखाते हैं, युवाओं को क्यों दर दर भटकने पर आप मजबूर कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि जम्मू कश्मीर के हालत इतने बुरे हो जाएं कि एक पोस्ट ग्रेजुएट बंदे को भीख मांगनी ना पड़ जाए, जो हालत इस समय जम्मू कश्मीर के चल रहे हैं, क्योंकि नौकरियाँ तो सवाल ही नहीं।